विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस की पूर्व संध्या पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा बुधवार को पार्क एजेंसी रोड स्थित बिस्मिल पार्क में शपथ और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर शरद मिश्रा और राष्ट्रीय सेवा योजना के कैडेटों द्वारा बिस्मिल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान एनएसएस के कैडेटों ने आज से धूम्रपान ना करने और दूसरों को धूम्रपान ना करने देने की शपथ ली। इस मौके पर एनएसएस कैडेटों ने देशभक्ति के गीत भी प्रस्तुत किए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर शरद मिश्रा ने कहा, राम प्रसाद बिस्मिल जी के प्रतिमा आर्मी बचाओ मंच के अध्यक्ष भाई विश्वविजय सिंह जी और इस पार्क के निर्माता और यहाँ पार्क में मौजूद अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा के स्थापित करने वाले आदरणीय श्री दिवस की पूर्व संध्या पर हम संकल्प लेते हैं कि हम किसी भी मादक पदार्थ जैसे कि शराब, तंबाकू या तंबाकू से बनाई गई किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करेंगे तथा दूसरों को भी ऐसा नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। जय हिंद। दुश्मन जब तक सूरज चाँद रहेगा, जब तक सूरज चाँद रहेगा, जय हिंद। हम जानते हैं 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और तंबाकू का क्या दुष्प्रभाव हमारे समाज पर, खास करके हमारे युवाओं पर पड़ रहा है। और ख़ास करके गोरखपुर की यदि हम बात करें तो गोरखपुर में तंबाकू के वजह से जिस तरह से माउथ कैंसर और गले के कैंसर में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, इसी को देखते हुए हमने आज राष्ट्रीय सेवा योजना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्वयंसेवकों और स्वयं सेविकाओं के माध्यम से समाज में यह संदेश देना चाहते हैं, संकल्प लेकर के, कि ना तो हम किसी भी तरह के तंबाकू या तंबाकू से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करेंगे, ना किसी मादक पदार्थ जैसे शराब का प्रयोग करेंगे, ना ही समाज में किसी को इस तरह के पदार्थों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे, उनको हम हतोत्साहित करेंगे।